नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे प्रिंटर से किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डॉक्यूमेंट के साइज को कम और ज्यादा कैसे करें। इससे पहले ये देख लीजिए किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन के लिए प्रिंटर में कैसे रखते हैं, तो चलिए देखिए। यहाँ देखिए प्रिंटर दिख रहा होगा, प्रिंटर देखिए चालू है, प्रिंटर में ग्रीन लाइट जल रहा है, प्रिंटर चालू है। इसी डॉक्यूमेंट को प्रिंटर से स्कैन करके इस डॉक्यूमेंट के साइज को चेंज करेंगे, इस डॉक्यूमेंट के साइज को बढ़ाएंगे और घटाएंगे। प्रिंटर में स्कैन के लिए डॉक्यूमेंट को कैसे रखते हैं, तो चलिए देखिए। इसको इस तरह से कर देंगे, यहाँ देखिए प्रिंटर का स्क्रीन दिख रहा होगा। डॉक्यूमेंट को इस तरह से रखेंगे, डॉक्यूमेंट को स्कैन के लिए रख दिए हैं प्रिंटर में, इसको इस तरह से कर देंगे। डॉक्यूमेंट को स्कैन के लिए रख दिए हैं प्रिंटर में, आप चलिए समझते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। देखिए कंप्यूटर के स्क्रीन दिख रहा होगा, कंप्यूटर के स्क्रीन पे देखिए ये सर्च बॉक्स है, कंप्यूटर के स्क्रीन पे देखिए ये सर्च बॉक्स है। इस सर्च बॉक्स में माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से टाइप करेंगे कंट्रोल पैनल। यहाँ देखिए कंट्रोल पैनल आ गया है, इस पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है कंप्यूटर में। देखिए हार्डवेयर एंड साउंड के नीचे देखिए व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है कंप्यूटर में। यहाँ देखिए कई प्रिंटर देखने को मिल रहा है, फिलहाल मेरे कंप्यूटर में ये प्रिंटर कनेक्ट है तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी प्रिंटर कनेक्ट किए होंगे यहाँ देखने को मिलेंगे। साथियों याद रहे अपने प्रिंटर को ऑन कर लेना है, उसके बाद ही यहाँ प्रिंटर देखने को मिलेंगे, अन्यथा प्रिंटर यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। फिलहाल मेरे कंप्यूटर में ये प्रिंटर कनेक्ट है तो इस प्रिंटर पर माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए कई ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ स्टार्ट स्कैन पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा प्रोफाइल में फोटो डिफॉल्ट ही रहने देते हैं, अगर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं इस बॉक्स पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके। यहाँ देखिए कई ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, तो फिलहाल यहाँ फोटो डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा कलर फॉर्मेट, यहाँ देखिए इस बॉक्स पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए कई ऑप्शन देखने को मिल रहा है, कलर, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट। जिस डॉक्यूमेंट को प्रिंटर से स्कैन कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को कलर में स्कैन करना चाहते हैं या ग्रे स्केल में स्कैन करना चाहते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट में, तो कर सकते हैं। फिलहाल जिस डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को ब्लैक एंड व्हाइट में स्कैन करेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट वाले ऑप्शन पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा रेजोल्यूशन डीपीआई में 300 रहने देते हैं, अगर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा ब्राइटनेस में कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्वायर बॉक्स, इस स्क्वायर बॉक्स में चेक मार्क लगा हुआ है, इस स्क्वायर बॉक्स में से चेक मार्क को हटाना है। इस स्क्वायर बॉक्स में माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर देंगे, देखिए चेक मार्क हट गया है। उसके बाद देखिए तीन ऑप्शन देखने को मिल रहा है, प्रीव्यू, स्कैन, कैंसिल। प्रीव्यू पहले देख लेते हैं कि किस तरह से डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे प्रिंटर से, तो प्रीव्यू पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर देते हैं। देखिए इस तरह से डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे प्रिंटर से फुल पेज में डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे। साथियों अगर आप चाहते हैं जितना ही एरिया में ये डॉक्यूमेंट है उतना ही एरिया प्रिंटर से स्कैन हो, तो उसके लिए देखिए यहाँ आपको दिख रहे होंगे, यहाँ देखिए चारों साइड डॉट लाइन दिया गया है। इस डॉट लाइन पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, ऊपर की ओर करेंगे तो ये देखिए डॉक्यूमेंट के बाकी एरिया कट रहा है। चारों साइड से अच्छी तरह से बाकी एरिया को कट कर देना है, देखिए चारों साइड से बाकी को कट कर दिए हैं। आप प्रिंटर से डॉक्यूमेंट का इतना ही एरिया स्कैन होंगे जितना ही एरिया में ये डॉक्यूमेंट है उतना ही एरिया प्रिंटर से स्कैन होंगे। स्कैन पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर देंगे, स्कैन हो रहा है। देखिए डॉक्यूमेंट स्कैन हो गया है। उसके बाद यहाँ देखिए दिख रहा होगा एक बॉक्स, बॉक्स में देखने को मिल रहा है इंटर ए नेम। जिस डॉक्यूमेंट को प्रिंटर से स्कैन किए हैं उस डॉक्यूमेंट को किसी न किसी नाम से सेव करेंगे अपने कंप्यूटर में, इस डॉक्यूमेंट को राणा डॉक्यूमेंट के नाम से कंप्यूटर में सेव करेंगे, तो इस बॉक्स में कीबोर्ड से राणा डॉक्यूमेंट टाइप कर देंगे। राणा डॉक्यूमेंट इस बॉक्स में टाइप कर दिए हैं कीबोर्ड से। उसके बाद यहाँ इम्पोर्ट पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर देंगे।
यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है, इसी डॉक्यूमेंट को प्रिंटर से स्कैन किए हैं। अब इस डॉक्यूमेंट को डेस्कटॉप के स्क्रीन पे कैसे लाएंगे? इस डॉक्यूमेंट को डेस्कटॉप के स्क्रीन पे लाने के लिए इस डॉक्यूमेंट के ऊपर माउस के लेफ्ट बटन को दबाना है, इस तरह से खींच करके माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखना है, इस तरह से खींच करके डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट को लाना है और जो माउस के लेफ्ट बटन को दबाए हुए है यहाँ छोड़ देना है। यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है, राणा डॉक्यूमेंट के नाम से डेस्कटॉप के स्क्रीन पे सेव किए हैं डॉक्यूमेंट को। यहाँ डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा होगा, इसी डॉक्यूमेंट को प्रिंटर से स्कैन किए हैं। अब इस डॉक्यूमेंट के साइज को रिसाइज करेंगे, यानी डॉक्यूमेंट के साइज को कम और ज्यादा करेंगे। तो चलिए देखिए, पहले इस डॉक्यूमेंट का साइज देख लेते हैं। किसी डॉक्यूमेंट को साइज देखने के लिए उस डॉक्यूमेंट के ऊपर माउस के राइट बटन को क्लिक करना है। देखिए कई ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए ये टाइप ऑफ फाइल जेपीजी है, यहाँ आपको दिख रहा होगा इस डॉक्यूमेंट का साइज यहाँ देखने को मिल रहा होगा। साथ ही डॉक्यूमेंट का साइज देखिए 779 KB का ये डॉक्यूमेंट का साइज है। डॉक्यूमेंट का साइज 779 KB है। अब इस डॉक्यूमेंट के साइज को कम करके 100 KB कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखिए इस डॉक्यूमेंट के ऊपर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा थ्री डॉट पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए कई ऑप्शन देखने को मिल रहा है, रिसाइज इमेज वाले ऑप्शन पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे। इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। देखिए पिक्सल परसेंटेज, साइज को पिक्सल में रखना चाहते हैं या परसेंटेज में, तो फिलहाल साथियों इसे हम साइज को पिक्सल पर यहाँ पिक्सल पर क्लिक रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए विथ डॉक्यूमेंट का जो अभी साइज है विथ 2202 है और हाइट 2880 है पिक्सल में। क्वालिटी देखिए 80%, फाइल टाइप जेपीजी। देखिए इस डॉक्यूमेंट का करंट साइज इस डॉक्यूमेंट का जो अभी साइज है 2202x2880 पिक्सल, यानी 779.6 KB इस डॉक्यूमेंट का साइज है। अभी जो इस डॉक्यूमेंट का साइज है, जो करंट में साइज है इस डॉक्यूमेंट का, अब जो न्यू साइज अब इस डॉक्यूमेंट का न्यू जो साइज है यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, डॉक्यूमेंट का साइज बढ़ गया है। अब इसे हम चेंज करेंगे, किसी भी डॉक्यूमेंट को, फोटो को या सिग्नेचर को साइज को चेंज करने के लिए सिर्फ विथ को ही चेंज करना है, हाइट को कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए विथ वाले बॉक्स में माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे और 2202 है उसको हटाएंगे कीबोर्ड से बैक बटन को दबा करके। इस डॉक्यूमेंट का साइज हम 100 करेंगे, यहाँ कीबोर्ड से हम 700 पिक्सल टाइप किए हैं विथ में। यहाँ देखिए इस डॉक्यूमेंट का अब जो न्यू साइज हो गया है 108.5। इस डॉक्यूमेंट के साइज को एग्जैक्ट 100 KB बनाने के लिए विथ वाले बॉक्स में कीबोर्ड से 666 पिक्सल टाइप करेंगे। विथ वाले बॉक्स में 666 पिक्सल कीबोर्ड से टाइप किए हैं तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा न्यू साइज में। देखिए इस डॉक्यूमेंट का साइज चेंज हो गया है 100.2 KB इस डॉक्यूमेंट का साइज हो गया है, यानी यहाँ आपको करंट साइज इस डॉक्यूमेंट का साइज यहाँ दिख रहा होगा। उसके बाद देखिए न्यू साइज इस डॉक्यूमेंट का यहाँ दिख रहा होगा। अभी जो ये डॉक्यूमेंट का साइज जो हम सेव करेंगे तो ये इतना होगा, सेव नहीं करेंगे तो ये इतना ही रह जाएगा। चलिए आप इस डॉक्यूमेंट का जो साइज आपको दिख रहा होगा 110.2 KB इस डॉक्यूमेंट का साइज चेंज हो गया है। किसी भी डॉक्यूमेंट या फोटो या सिग्नेचर को साइज को चेंज करने के लिए सिर्फ विथ को ही चेंज करना है, हाइट को कुछ नहीं करना है। देखिए डॉक्यूमेंट का साइज चेंज हो गया है। जिस डॉक्यूमेंट को साइज को चेंज किए हैं अब उसे सेव करेंगे, सेव पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे। सेव पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। जिस डॉक्यूमेंट को साइज को चेंज किए हैं उस डॉक्यूमेंट को किसी न किसी नाम से तो सेव करेंगे, फाइल टाइप में राणा DOC 1। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को डेस्कटॉप पे सेव करेंगे तो यहाँ डेस्कटॉप पे माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए फाइल नेम में राणा DOC नाम से इसे हम सेव करेंगे कंप्यूटर में। इस डॉक्यूमेंट को साइज में चेंज किए हैं उस डॉक्यूमेंट को राणा DOC 1 नाम करके डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे कंप्यूटर में। उसके बाद यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा सेव एज टाइप में JPG रहने देना है। उसके बाद सेव पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर देंगे, ये देखो डॉक्यूमेंट सेव हो गया है। यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा, इस डॉक्यूमेंट को साइज में चेंज किए हैं यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा। चलिए इस डॉक्यूमेंट का साइज देख लेते हैं, पहले जो प्रिंटर से स्कैन किए हैं उस डॉक्यूमेंट का साइज देख लेते हैं। इस डॉक्यूमेंट को साइज को देखने के लिए इस पर कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट का साइज देखने को मिल रहा है 779 KB। इस डॉक्यूमेंट का साइज जो इसको चेंज किए हैं, डॉक्यूमेंट को साइज को कम किए हैं तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा 100 KB। चलिए पहले इस डॉक्यूमेंट का साइज देख लेते हैं। इस डॉक्यूमेंट को साइज को देखने के लिए इसके ऊपर कर्सर को ले जाएंगे, माउस का राइट बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए कई ऑप्शन देखने को मिल रहा है। प्रॉपर्टीज वाले
वाले ऑप्शन पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा डॉक्यूमेंट का साइज। यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट का साइज देखने को मिल रहा होगा, साइज इस डॉक्यूमेंट का साइज है 779 KB। इस डॉक्यूमेंट का साइज देख लीजिए जो चेंज किए हैं उसको कम किए हैं। इसके ऊपर कर्सर, इस डॉक्यूमेंट के साइज को देखने के लिए इस पर डॉक्यूमेंट के ऊपर कर्सर को ले जाना है, माउस के राइट बटन को क्लिक करना है, कई ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए इस डॉक्यूमेंट का साइज 100 KB है। यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा जिस डॉक्यूमेंट को प्रिंटर से स्कैन किए हैं उसका साइज देखिए, और उसी डॉक्यूमेंट को साइज को कम किए हैं तो यहाँ देखिए 100 KB दिख रहा होगा। पहले के डॉक्यूमेंट का साइज 779 KB, उसके बाद में उस डॉक्यूमेंट को साइज को चेंज किए हैं, कम किए हैं, उस डॉक्यूमेंट को साइज को कम किए हैं तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा 100 KB। इसी डॉक्यूमेंट को साइज में चेंज किए हैं, यहाँ आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा होगा। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंटर से स्कैन करके डॉक्यूमेंट के साइज को कम और ज्यादा कैसे करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।